नमस्कार, इम्पॉर्टेंट स्लोगन्स के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। और इस वीडियो में हम वो सभी इम्पॉर्टेंट स्लोगन्स कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं। पहला, जय जवान जय किसान, काफी कॉमन है। अब आप मेरे साथ साथ बताने की कोशिश भी करें। चलिए आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये किसका दिया हुआ है? ये दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है, जय जवान जय किसान। चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। अगला वाला जो है वो है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा। ये स्लोगन किसने दिया, ये नारा किसने दिया? ये नारा देने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के काफी सारे नारे हैं और ये उनके फेमस नारों में से एक है, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ओके, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये किसका दिया हुआ है? बताने की कोशिश करें मेरे साथ साथ। क्या ये किसी पॉलिटिकल लीडर का दिया हुआ है? जी नहीं, ये इनका दिया हुआ है। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें। ये हैं भारतेंदु हरीश चंद्र। वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास, ये नारा किसने दिया है? इन्होंने कहा था कि हमारे वेद ही जो हैं वो सर्वोपरि हैं, उनमें सारा ज्ञान है। ठीक है, मैं आपको एक हिंट देती हूं कि ये व्यक्ति जो है ये आर्य समाज के संस्थापक भी थे। तो आंसर क्या है इसका, तस्वीर दिखाती हूँ आपको। अब आप बताने की कोशिश करें। ये है हमारे जाने माने स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों की ओर लौट चलो ये इन्होंने नारा दिया था। अगला वाला देखते हैं, जय हिंद। हम इतनी बार इस्तेमाल करते हैं इसको, जय हिंद, कितने लोग स्पीचेस के अंत में इसको कहते हैं, लेकिन ये किसका दिया हुआ नारा है? ये भी सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ नारा है। तो दिल्ली चलो जय हिंद, ये दोनों नारे किसके दिए हुए हैं? सुभाष चंद्र बोस। अगला नारा देखते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ओके, ये है वो पूरा। अब ये किसने दिया, अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, पिक्चर देखकर आप बताने की कोशिश करें। और अगर पिक्चर देखकर भी आपको याद नहीं आया तो ये दिया हुआ है राम प्रसाद बिस्मिल का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आराम हराम है, आराम हराम है, ये कोट किसका है, ये नारा किसका है, ये स्लोगन किसका है? ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं ये सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये भारत के प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू। काफी सारी इनकी जानी मानी पुस्तकें हैं, काफी सारे इनके कोट्स इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आराम आराम है, ऑब्वियसली देश हमारा नया नया सा आजाद हुआ था, इतने सारे काम करने के लिए थे, तो उस समय का ये नारा है आराम हराम है। नेक्स्ट है करो या मरो। ओके, ये बहुत ही कॉमन है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, करो या मरो। इसके अंग्रेजी में होगा डू और डाई। ठीक है, अब या तो हम देश को आजाद कराकर ही छोड़ेंगे या फिर ऐसा करने में हम अपनी जान दे देंगे। डू और डाई, ये नारा किसका है? ये फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का दिया हुआ नारा है, महात्मा गांधी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यस, ये तो आप सभी ने जरूर सुना होगा। क्या आपको पता है ये किसका है? ओके, आपको हिंट देती हूँ कि इसी वीडियो में मैं इस प्रसिद्ध शख्सियत के दो नारे ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। यस, ये है सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ नारा। ठीक है, जय हिंद दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसका दिया हुआ है? यस, ये बहुत ही फेमस तस्वीर है और ये किसकी तस्वीर है? शहीद भगत सिंह, इनका नारा है इनकलाब जिंदाबाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा, ये किसका दिया हुआ है? ये मोहम्मद इकबाल का दिया हुआ है। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, मोहम्मद इकबाल। काम अधिक बातें कम, यानी कि काम ज्यादा करो और बातें करो कम, ये काफी लेट दिया हुआ नारा है, ये उस समय का नहीं है, हमारी आजादी की लड़ाई जब चल रही थी। और ये जो नारा है ये दिया है इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने, काम अधिक बातें कम।
स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ओके, स्वराज शब्द का प्रयोग ही जो है उसको एसोसिएट किया गया है बाल गंगाधर तिलक के साथ। ठीक है, उसको एसोसिएट किया गया है बाल गंगाधर तिलक के साथ। इन्होंने अंग्रेजी में इसका अनुवाद है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। वंदे मातरम, आपने बहुत बार सुना होगा ये वंदे मातरम। ओके, ये किसका नारा है? ये दिया हुआ है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिनको हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी जानते हैं। वंदे मातरम। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। ठीक है, इससे पहले हम डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ये नारा दिया गया पूर्ण स्वराज की। हमें तो हर मामले में आजादी चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग जो थी वो जो यंग सेक्शन था, ओके, कांग्रेस के भीतर, उसने ये मांग की थी और उस यंग सेक्शन की अगुवाही कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो पूर्ण स्वराज का जो नारा है वो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया हुआ है। और इन्होंने ही क्या कहा? इन्होंने ही कहा आराम हराम है। हे राम, हे राम, ये नारा तो नहीं है लेकिन ये अंतिम शब्द हैं और बहुत ही प्रसिद्ध अंतिम शब्द हैं। आप बताइए कि कौन सी शख्सियत के ये अंतिम शब्द हैं? ये हमारे बापू के अंतिम शब्द है। जब उनको गोली लगी और वो वहां गिर गए थे तो उस वक्त उनके मुंह से निकला था हे राम। महात्मा गांधी के ये अंतिम शब्द हैं। कर मत दो, कर से मतलब है यहां पर टैक्सेस। टैक्सेस देने से मना किया गया था, एक आंदोलन हुआ था उसके दौरान। ओके, कर मत दो, ये किसने कहा? कर मत दो कहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये स्लोगन दिया था कि कर मत दो, दैट मीन्स नो टैक्सेशन, डोंट पे योर टैक्सेस। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? यह आपको तस्वीर दिखाती हूं, इससे आपको हिंट मिलेगा, आप जानने की कोशिश करें। मेरे नारा पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि किसने दिया है। अगर नहीं क्लिक होता है तो मेरे साथ साथ आप देखते जाइए। ये नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया, जिनको हम प्यार से जेपी के नाम से भी जानते हैं। साइमन कमीशन वापस जाओ। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसको हमने बॉयकॉट किया और उसको वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो साइमन कमीशन, साइमन गो बैक अंग्रेजी में ऐसा कहा गया और हिंदी में कहा गया साइमन कमीशन वापस जाओ। ऐसा कहने वाले कौन थे? ऐसा कहने वाले थे लाला लाजपत राय। उन्होंने ये स्लोगन दिया लाला लाजपत राय। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ओके, अंग्रेजों भारत छोड़ो कहा महात्मा गांधी ने। ये महात्मा गांधी जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन है अंग्रेजों भारत छोड़ो। मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, ये किसका नारा है? ये दिया था 1857 की क्रांति के जो हीरो रहे मंगल पांडे ने। ओके, ये मंगल पांडे जी की तस्वीर है, इनके जीवन पर फिल्म भी बन चुकी है। मंगल पांडे का नारा था मारो फिरंगी को, और फिरंगी से मतलब है ब्रिटिशर्स को। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। कुछ जगहों पर, कुछ पुस्तकों वगैरह में आप ये भी देखेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही जिए हैं, आजाद ही मरेंगे। ठीक है, ये नारा किसका था? आपको तस्वीर दिखाती हूं मैं। ओके, ये जो नारा है, ये नारा है चंद्रशेखर आजाद का। ठीक है, आजाद इन कोर्ट में भी है, इस नारे में भी है और साथ में इनके नाम में भी है। इनको पूरी तरह से पुलिस द्वारा घेर लिया गया था एल्फ्रेड पार्क में। ओके, इलाहाबाद के पास है ये, और उसके बाद इनके पास जो आखिरी गोली थी उससे उन्होंने खुद को शूट कर लिया था, क्योंकि ये गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे। तो दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, ऐसा कहने वाले थे चंद्रशेखर आजाद। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ओके, ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध। मेरी सिर पर लाठी का एक एक प्रहार, ब्रिटिश सरकार की जो ब्रिटिश जो वहां पर सैनिक थे उनकी जो लाठियां पड़ रही थी उसका एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ये किसने कहा? ये कहा लाला लाजपत राय ने। ओके, जब वो
लाहौर में साइमन कमीशन का बॉयकॉट करने के लिए रैलियां वगैरह निकाल रहे थे और उसकी अगुवाई कर रहे थे, उस समय उन पर लाठियां बरसाई गई थी, और जब ये लाठियां बरसाई गई थी तो वो घायल भी हुए थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। पर उन्होंने ये कहा था कि मेरे सर पर ये जो एक एक लाठी का प्रहार पड़ रहा है ये आगे जाकर अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट स्लोगन था जो आपको कराना था, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।